इंडियन आर्मी। इस आर्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम सिविलियंस के लिए बहुत कुछ किया है। ये बॉर्डर पे लड़ते हैं ताकि हम जैसे सिविलियंस यहाँ पे सिटीज़ में चैन से सो सके, एक चैन की ज़िंदगी जी सके। इसलिए इंडियन आर्मी की स्टोरीज़ सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। सबको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी बैकग्राउंड में हमारे लिए क्या क्या करती है। आज के एपिसोड में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ याशिका हटवाल त्यागी से, जो कि कारगिल वॉर का एक बहुत बड़ा पार्ट थी, जो कि इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि इस एपिसोड को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप आपके ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए इंस्पायर हो जाओगे। कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी कारगिल वॉर में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में इंडियन आर्मी के लिए काम कर रही थी। जितनी भी गन्स हो, जितने भी गोला बारूद हो, खाना बनाने का सामान हो, एक सोल्जर को जो बुलेट प्रूफ जैकेट लगता है वो, या एक जो आर्मी की व्हीकल होती है बोफोर्स गन होती है, इन सबको आर्मी पर्सनल्स तक पहुंचाने का काम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी का था। और ये उस समय कारगिल की लड़ाई में प्रेग्नेंट थी, अपने एक छोटे से बेबी के साथ वहाँ पे प्रेजेंट थी। कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एंड आई एम श्योर अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखोगे तो आपके लिए भी बन जाएगी। मैं यूजुअली ये नहीं कहता, पर इस एपिसोड को प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी ने अपनी स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से वो कारगिल वॉर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी, और उन्होंने कारगिल वॉर की कुछ और स्टोरीज भी शेयर की है। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा से वो फर्स्ट टाइम मिली, जो फर्स्ट कैजुअल्टी थी इंडियन आर्मी की कैप्टन सौरभ कालिया की, उनके बारे में उन्होंने बताया, और भी कई सारी उन्होंने स्टोरीज शेयर की है। तो इस एपिसोड को प्लीज एंड तक देखिए, और हो सके तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। सो कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी मैम, वेलकम ऑन द शो। जब भी मैं आर्मी में से किसी के साथ भी बात करता हूँ, हमेशा एक चीज बाहर निकल जाती है, वो होती है उनका माइंडसेट। एंड जो भी आपको जानता है या जिसने भी आपका कंटेंट कंज्यूम किया है, आपके इंटरव्यूज देखे हैं, उन्हें पता होगा कि आप किस माइंडसेट से आती है। इट्स अ लाइक बहुत टफ है इसको वर्ड्स में पुट डाउन करना, बिकॉज जो एक आर्मी माइंडसेट होता है वो एक नॉर्मल सिविलियन से बहुत डिफरेंट होता है। आप फेलियर्स को भी फेलियर्स की तरह नहीं देखते, यू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो फर्स्टली मैम, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद मैम। मैम, आपकी स्टोरी बहुत एक अमेजिंग स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए आई वुड लव टू नो कि आपने इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन की, बिकॉज सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, बट फॉर यू व्हाट वाज दैट वन रीजन, दैट वन मोमेंट वेर यू थॉट कि यार इंडियन आर्मी इज वेर आई वांट टू बी, व्हिच इज विथ आई वांट माय नेम टू बी कनेक्टेड विथ। ये सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। आपका जो ये नाम है आवारा मुसाफिर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, कॉम्प्लीमेंट टू यू ऑन चूजिंग सच अ ऑफबीट नेम। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी दिन मौका लगेगा तो आपकी जर्नी भी सुनेंगे, है ना? या मैम। हाँ, लेकिन जब आप मुझे पूछते हैं कि मेरी कहानी क्या है, हाउ डिड आई ज्वाइन आर्मी, वो एक मोमेंट क्या था, मुझे लगता है वो एक मोमेंट जो था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है, वो तो बहुत ही बाद में आया। बहुत बाद में आया, मतलब जस्ट बिफोर आई ज्वाइंड आर्मी, ये तो बिल्कुल तब का मोमेंट था। क्यों? क्योंकि उस समय तक लड़कियों की एंट्री फौज में थी ही नहीं। जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मेरे कैरियर बनाने के दिन थे, जब मेरे स्कूल के दिन थे, तो इंडियन आर्मी गर्ल्स के लिए नहीं थी। मेरे तो दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था, पैशन, एंड जस्ट वन ट्रैक माइंड था मेरा कि मुझे यूनिफॉर्म पहने। दैट वॉज द ओनली ड्राइव, मुझे यूनिफॉर्म पहननी है। राइट। इसका रीजन हम और पीछे जाएं तो मुझे वो एक सेइंग याद आती है दैट वी आर सम टोटल ऑफ आर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, है ना? राइट। सो बचपन में माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर, और बचपन में हमने वो कैंटोनमेंट का लाइफ देखी, लेकिन वो भी बहुत छोटी थी। मैं 7 इयर्स की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। सो ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। When his mortal remains came home, they were still wrapped in uniform. तो वो uniform तो तभी से देखी, लेकिन uniform
फादर नहीं होने के बाद भी जे पूरी लाइफ फौज ने हमको ऐसे दोनों हाथों से समेट के रखा जैसे हम परिवार के किसी इंसान को रखते हैं जब उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। राइट तो फौज ने इतना साथ दिया, फौज और हमारे ही साथ नहीं, फौज अपने हर फौजी की फैमिली को इसी तरीके से लुक आफ्टर करती है अगर उनके साथ ऐसा कोई ओ हादसा वाह हो जाता है। राइट तो वो बचपन से आई हैव सीन द हाईएस्ट हाईएस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन आदमी, एंड आई जस्ट फेल्ट कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी, क्योंकि वो मेरा नियरेस्ट पैरेलल था, क्योंकि करेक्ट फौज तो थी नहीं गर्ल्स के लिए। करेक्ट तो स्कूल में थी तो स्काउट्स गाइड्स ज्वाइन करी, वो नीला ट्यूनिक पहनते थे, वो राइट यहाँ पर एक स्टाफ लगाते थे उसमें आगे एक मुझे तो अभी याद भी नहीं है उसको क्या कहते हैं, बट देर इज दिस थिंग देयर इज जिसके दिस वन ऊपर रिंग या करेक्ट रिंग, हाँ एक रिंग जैसा होता है, डॉगल करेक्ट कहते हैं कुछ कहते हैं उसको। और आई यूज टू थिंक दैट ओ माई गॉड आई एम लुकिंग जस्ट यू नो परफेक्ट, ये यूनिफॉर्म ही है मेरी। राइट फिर जब आप थोड़ी बड़ी हुई स्काउट्स गाइड्स खत्म हो गई तो एनसीसी ज्वाइन करी। अब वो आजकल एनसीसी के लोग टेरिकॉट यूनिफॉर्म हो गई है, पहले कॉटन की होती थी उसमें स्टार्च लगा के, एंड आई वुड टेक सो मच प्राइड इन दैट यूनिफॉर्म, उसको एकदम कि अगर ऐसे जमीन पर रख दो तो पैंट ऐसी खड़ी हो जानी चाहिए, वो करेक्ट गिरे भी नहीं, इतना ज्यादा उसमें स्टार्च लगाते थे। और 26 जनवरी की परेड स्कूल में और 15 अगस्त की परेड स्कूल में कर रहे हैं राइट एनसीसी। फिर ये शौक आगे कंटिन्यू होता गया, जब भी अच्छा जब स्कूल में थी और एनसीसी में थी तो आई वेंट टू रिपब्लिक डे कैंप, जो राजपथ मार्च में आपने देखा होगा एनसीसी के कैडेट्स सब, या उस समय जूनियर विंग से गई। फिर जब बड़ी हुई कॉलेज में आई तो सीनियर विंग एनसीसी ज्वाइन करी, फिर से रिपब्लिक डे कैंप में गई, फिर आई वेंट फॉर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम टू कैनेडा। तो वो एक एनसीसी का एक बड़ा क्या बोलूंगी एविड एनसीसी कैडेट आई वाज। लेकिन अब व्हाट आफ्टर एनसीसी, क्योंकि इस कॉलेज खत्म होगा तो एनसीसी भी खत्म हो जाएगी, अब करेक्ट जिंदगी भर वर्दी कैसे पहननी है। तो अब जिंदगी भर वर्दी पहनने के लिए फिर ये डिसाइड हुआ कि आईपीएस ऑफिसर बनेंगे भाई, क्योंकि उस समय किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर बनी थी, ओ राइट यस वो टाइम था, किरण बेदी वाज डूइंग फैंटास्टिक एंड एवरी करेक्ट डे देयर वाज अ न्यूज़पेपर, सन न्यूज़ अबाउट किरण बेदी, कैसे उन्होंने इंदिरा या गांधी की वो गाड़ी उठवा दी क्रेन से जब वो गलत जगह पार्क हो रखी थी, राइट एंड शी वाज लाइक वन फायर ब्रांड लेडी। मैंने कहा यही है, मुझे तो यही बनना है, करेक्ट आई वॉन्ट टू बी किरण बेदी। आई जस्ट कॉलेज में बहुत जोश के साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू हुई, एंड इतना जुनून था दिमाग में कि आईपीएस 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 और वर्दी पहननी है वर्दी पहननी है। राइट लेकिन दिस वाज जस्ट द टाइम कि लेडी कैडेट्स के लिए आर्मी में दरवाजे खुल गए, ओ वाह दे हैड, दैट वाज द ईयर व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर माय फाइनल ईयर एग्जाम। ओके उस साल लेडीज के लिए फौज में एंट्री शुरू हो गई। राइट सो द मोमेंट आई फिनिश्ड माय कॉलेज आई अच्छा उस टाइम पर सीडीएस का एग्जाम नहीं होता था, उस टाइम ओके पर मेरिट कुछ ही फील्ड्स ओपन थे फौज में, सारी सर्विसेज ओपन नहीं थी, कुछ फील्ड्स ओपन थे और उनके लिए भी आपको अपनी मार्कशीट भेजनी होती थी राइट और मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होती थी। तो आर्मी हेडक्वार्टर में मार्कशीट गई, लकी आई करेक्ट हैड टॉप्ड आल्सो इन माय कॉलेज, सो माय मार्क्स वर वेरी गुड। और उसके बाद डायरेक्टली एसएसबी की कॉल आई एंड आई वेंट फॉर एसएसबी। राइट तो फौज में आ सकती हूँ जो हमेशा से एक ख्वाब था, विच वाज अ ड्राइविंग फोर्स टू वेयर राइट यूनिफॉर्म, दैट वाज एक्चुअली कमिंग ट्रू। यू वाओ अंडरस्टैंड, यस यूनिफॉर्म इसलिए पहननी थी क्योंकि फादर के जैसे वर्दी पहननी थी, लेकिन फादर की करेक्ट जैसे वर्दी तो अवेलेबल नहीं थी, बट गॉड समहाउ मेड इट हैपन फॉर मी। और मैं हमेशा एक सेंटेंस कहती हूँ कि मुझे वो पिक्चर का डायलॉग है ना शाहरुख खान की, कि या किसी चीज को जब आप बहुत शिद्दत से चाहते हो राइट राइट तो कायनात उसे आपके लिए लेकर आती है। तो बस मेरे ख्याल से वो शिद्दत थी, वो वर्दी पहननी है, एंड गॉड मेड इट हैपन फॉर मी।
सो आई यस ज्वाइंड द फोर्थ बैच ऑल ऑफ राइट विमेन ऑफ कलर्स. सो राइट दिस इज माय सो स्टोरी ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी. बेसिकली यू वर द वेरी फर्स्ट बैच, मतलब यू वर द फोर्थ बैच. सो जो फर्स्ट एक हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने जब विमेन ऑफिसर्स आने लगी, आप उनमें से एक थी. एंड दैट सच अ बिग यू नो अचीवमेंट. एंड वो आपकी बातों से पता चलता है लाइक हाउ पैशनेट यू वर फॉर दैट यूनिफॉर्म, फॉर सर्विंग द कंट्री, फॉर सर्विंग द आर्मी. मैम आपने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज में कहा है कि यू चोज टू बी इन हाई एल्टीट्यूड यू नो टेरेन्स. सो आई रियली वॉन्ट टू नो वाई, लाइक बिकॉज इट्स नॉट ईजी, स्पेशली जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में है, कोल्ड क्लाइमेट में है, तो वो आपके लिए फिजिकली तो टफ है बट इट्स मेंटली टफ एज वेल. सो वाई डिड यू चूज दीज एंड वाई डिड यू वॉलंटियर टू गो ऑन दीज यू नो टेरेन्स? जय, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दिस एक्चुअली दिस वाज माय ड्राइविंग फोर्स व्हेन आई गॉट इनटू आर्मी. आई डिड नॉट कम इनटू आर्मी जस्ट मैंने वर्दी पहननी है, वर्दी 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 इसलिए मैं आ गई. नहीं, दैट वाज ऑफ कोर्स देयर, बट वो पैशन इस चीज का था कि ये जानते हुए कि इट इज नॉट परमानेंट कमीशन. उस टाइम पे तो 5 साल के लिए ही था और धीरे धीरे करके उसको बढ़ा रहे थे. Correct. So knowing fully well that I am getting into a terrain and getting into a job environment which is going to take best years of my life, yet it is not going to be permanent. Right, right. So, jante bujhte aap ek aise daire mein ja rahe ho, so I did not want to make it run of the mill for me. Ki mujhe fauj mein aana hai, isliye main aa gayi. No, correct. I think I have that bit of explorer with me. I think I have that bit of streak of adventure in me. Right. Ki, I wanted to make most of that limited time available to me. Limited tha na time bahut mere paas. Right, right. Us samay ki ladkiyon ke liye limited time hi tha. Permanent thi nahi for. Correct. I said, I am going to give my best to this organization and I'm going to take the best experience out of this. Yes. And I am, you know, achha, maine volunteer to kiya. लेकिन वॉलंटियर करने का मतलब है कि चॉइस दूसरे के हाथ में है ना. आई कैन ओनली पुट माय डिजायर फॉरवर्ड दैट आई वांट टू गो. लेकिन फौज ने भी उस, अच्छा इससे पहले आई वॉलंटियर टू गो टू ऑप राइनो. ओके, दैट इज जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में मिलिटेंस जो हमारी है उधर, उसके लिए जहां आर्मी डिप्लॉयड होती है उसको ब्रॉडली एक टर्म देते हैं ऑप राइनो. उसके नीचे और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन चलते रहते हैं. राइट राइट. There I understood my job as a logistics officer. And how important is this work of logistics officer in the face of enemy. Right. आपको गुंजाइश नहीं है कि आप अपने काम को best ना करें. You don't have a choice. You Correct. Have to give your best. Otherwise, someone will come back home in a body bag. You know, the stakes are so high. Yes. इतना नुकसान होने की संभावना इतनी ज्यादा है कि अगर काम सही नहीं किया तो किसी की जान जाएगी. तो जब मेरा ऑप राइनो का टेन्योर ओवर हुआ, सो आई सेड अभी अभी नाउ आई हैव टू वॉलंटियर. एंड आई वॉलंटियर्ड अगेन फॉर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया. बिफोर जो सोचा शायद एक ऐसे गोल दिमाग की आई हुई है, दिस शी इज वॉलंटियरिंग एंड दे मस्ट बी ऑल्सो लुकिंग. जब आप नया नया कोई एक वो ओपन करते हैं एवेन्यू, किसी एक नया नया आदमी आप काम पे रखते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि इसका क्या कैपेबिलिटी है. और यू वांट टू टेस्ट द लिमिट्स. और यहाँ पे तो कैपेबिलिटी याशिका की चेक नहीं हो रही, लेडी ऑफिसर्स की चेक हो रही. राइट. कि टिल वेयर कैन वी पुश द लिमिट्स. करेक्ट. And when I volunteered, army agreed and they posted me to high altitude and extreme cold climate area. Right. So, jab main extreme cold climate bolti hun, to extreme cold climate ka matlab hai minimum, max, jo aapka beginning temperature hai, that can be minus 10. Oh, wow. Okay. Aur phir iske upar to hari ichha balwan, wo aapka kahin bhi jayegi. Right. Wow. So, temperature is so... you know, it is the biggest enemy there.
करेक्ट कई करेक्ट बार इंसान अपनी कैपेबिलिटी से मार नहीं खाता, मौसम से मार खा जाता है. सो यस आई हैव वॉलंटियर्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू पुश माई ओन लिमिट्स एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर. एंड आई राइट एम सो थैंकफुल टू इंडियन आर्मी टू गिव मी दैट चांस. करेक्ट आई एक्सप्लोर समथिंग न्यू विद इन मी. नहीं तो अच्छा, अगर मैं आराम आराम से काम करती रहती तो आज आप मुझसे सवाल भी नहीं पूछते, है ट्रू, बट देन ना? मैम वो समझ में आता है, लाइक यू हैव दैट वॉरियर मेंटालिटी दैट यू वांटेड टू बी देयर, यू वांटेड टू टेस्ट योर लिमिट्स, योर केपेबिलिटीज, एंड विच इज सो ऑसम. एंड मैम आपने एक चीज मेंशन की करी कि यू वर इन द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड मैं एक बुक पढ़ रहा था ऑन इंडियन आर्मी, एंड उसमें लिखा था कि एन आर्मी इज एज गुड एज इट्स लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट इज, बट आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू नो कि लॉजिस्टिक्स में एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है, एंड वाई इज दैट स्टेटमेंट सो इम्पॉर्टेंट कि एक आर्मी उसके लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जितनी ही स्ट्रांग हो सकती है. सो कैन यू डाइव इन टू दिस? जे अगर आप एक फौजी को सोचो तो आपके दिमाग में क्या आता है? When you picture a फौजी in your mind, you think of a person wearing uniform, है ना? वो लड़ाई के लिए जा रहा है तो उसके सिर में एक हेलमेट है, उसने यूनिफॉर्म पहना है, उसने बुलेट प्रूफ पहना है, उसके पास बूट्स एडिक्वेट हैं. अगर वो करेक्ट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एरिया में है तो वो नॉर्मल टेरिकॉट यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता है. उसके करेक्ट पास उसने ठंड को बर्दाश्त करने के लायक स्पेशल क्लोथिंग होना चाहिए, है राइट राइट ना? स्पेशल हेडगियर होना चाहिए, स्पेशल बूट्स होते हैं जिनको रबर इंसुलेटेड बूट्स कहते हैं, जो आपके पैर को एकदम गर्म रखते हैं. आपके करेक्ट पास सॉक्स भी अलग टाइप के होते हैं. तो ये आप अगर एक फौजी को देख, अच्छा, अब फौजी खाना भी खाएगा, राइट भूखा तो फौजी लड़ नहीं सकता, करेक्ट है ना? तो उसका खाना बनाने के लिए बर्तन भी होंगे. फौजी रहेगा कहाँ? उसके लिए एक टेंट भी लगेगा. राइट जब फौज मूव करती है तो उसके पास गाड़ियां होती हैं. या वो गाड़ियों में टायर, बैटरी, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स सब कुछ लगता है, करेक्ट बराबर? करेक्ट जब फौजी लड़ाई के लिए जाता है तो उसके पास एक हथियार भी होता है. वो हथियार मेंटेन भी होना चाहिए, राइट नहीं तो सही टाइम पर वो गोली नहीं चलाएगा तो उसकी खुद की जान जा सकती है. राइट अच्छा, हाउ राइट गुड इज दैट वेपन अगर उसमें बंदूक नहीं है, तो गोली नहीं है? करेक्ट और तो फौजी को सिर्फ एक शरीर से बाकी सारी चीजें जो आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, ये सब उसको प्रोवाइड करना लॉजिस्टिक्स का वाओ एवरीथिंग. करेक्ट तो एक एक अकेला सिपाही जंग को तभी जीत सकता है जब उसके पेट में खाना है और उसके बंदूक में गोली है राइट और राइट उसके अंदर जोश है और जुनून है. करेक्ट एक एक सेइंग है नेपोलियन बोनापार्ट की, दैट एन आर्मी कैन विन ड्यू टू थ्री फैक्टर्स, राइट? देयर आर थ्री फैक्टर्स व्हिच मेक एन आर्मी विन. फर्स्ट राइट इज द साइज ऑफ आर्मी. वो फौज कितनी कितनी बड़ी है, ठीक है? शीयर करेक्ट नंबर कितना है. करेक्ट सेकंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट? उस फौज के पास क्या क्या इक्विपमेंट है? कितने टैंक हैं, कितने घोड़े राइट हैं, कितने तोपें हैं? तो क्या इक्विपमेंट है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. राइट एंड द थर्ड फैक्टर विच ओवर रूल्स द फर्स्ट टू इज द मोरल ऑफ द आर्मी. यस अगर एक फौज का जोश बहुत हाई है ना, तो वो कितनी भी बड़े दुश्मन की सेना को जिसके पास एक से एक इक्विपमेंट हो उसको हरा सकते हैं. और इतिहास तो एब्सोल्युटली ऐसी कहानियों से भरा हुआ है जहां जोश और मोराल के ऊपर फौज ने जीत करेक्ट हासिल करी. करेक्ट तो फौज का मोराल हाई रखने में लॉजिस्टिक्स का बहुत काम होता है. ट्रू सो दिस इज द जॉब दैट द लॉजिस्टिक्स पीपल डू. राइट वाओ. सो यू नो मतलब मैंने वो पढ़ तो लिया था लाइन, बट आई ऑलवेज इमेजिन कि मतलब लॉजिस्टिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट लॉजिस्टिक्स इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ एनी आर्मी. लाइक यू कैन नॉट सर्वाइव इन दोज हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस, दैट क्लाइमेट, इफ द लॉजिस्टिक्स इज नॉट प्रॉपर. इसमें एंड मैं एक चीज और बोलूंगी जी, यस मैं एक चीज यस और बोलूंगी. इट इज नॉट ओनली दैट वन जवान, राइट? इट इज दोज बिग आर्टिलरी गन्स, करेक्ट जैसे बड़ी बोफोर्स की गन है. अभी आप करेक्ट देखो कारगिल की लड़ाई के टाइम पर बोफोर्स की गन्स
पूरे देश में डिप्लॉयड थी। राइट वहां से हम लोगों ने उनको कैसे रातों रात मार्शल इन करके स्पेशल ट्रेन्स के जरिए उनको हम लेकर आए राइट नीचे तक, कहां करेक्ट जम्मू तक, और वहां से वो बाय रोड वो गन्स ऊपर लेकर आई गई, और फिर लेह करेक्ट कारगिल के अलग अलग तुरतुक मशको बटालिक इन सब सेक्टर्स में लगी। राइट साथ ही साथ इनका जो एम्यूनिशन था वो भी पूरे देश में फैला हुआ था, यस और यस क्योंकि दिस वाज आल्सो द टाइम जब हमने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, करेक्ट तो वी हैड इंडिया वाज फेसिंग लॉट ऑफ सैंक्शंस बैकलैश फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमको इजाजत नहीं थी कि हम बोफोर्स के एम्यूनिशन को खरीद सकें। वाओ और लड़ाई छिड़ गई, और बिना बोफोर्स की गन के हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो करेक्ट हमने ये रातों रात ये जो साउथ अफ्रीका से वी गॉट दिस एम्यूनिशन, दिस वाज ऑल डन बाय लॉजिस्टिक्स। यस यस तो वाओ अगर ये काम हमने टाइम पर नहीं किया था, एंड आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल दिस, सो आई गिव माई डैम सेल्फ दैट ग्रेट फीलिंग ऑफ प्राइड कि करेक्ट वो बंदूक पकड़ के मैं बॉर्डर पर नहीं बैठी थी, राइट लेकिन अगर मैंने अपना काम सही नहीं किया होता तो शायद वो बोफोर्स जिसको हम हीरो ऑफ कारगिल कहते हैं, करेक्ट शायद वो थोड़ी कहीं कम ना पड़ जाती। राइट एंड मैम इससे और ये साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो एयरफोर्स के जहाज उड़ रहे हैं, उनके स्पेयर्स भी प्रोवाइड करना लॉजिस्टिक्स का काम है। तो करेक्ट हम लोग कहते हैं फ्रॉम नीडल टू एयरक्राफ्ट स्पेयर्स, एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल बाय लॉजिस्टिक्स, चाहे राइट टैंक हो, चाहे जहाज हो, चाहे तोप हो, चाहे करेक्ट बंदूक हो, चाहे खाना बनाने का पतीला हो, चाहे धोबी के कपड़े करने की प्रेस हो, एवरीथिंग इज लॉजिस्टिक्स। करेक्ट करेक्ट एंड मैम आपने मेंशन किया व्हाई बोफोर्स वाज सो इम्पोर्टेंट, तो लोगों को ये बताना भी इम्पोर्टेंट है कि व्हेन वी वर फाइटिंग द कारगिल वॉर तो इंडियन आर्मी एक बहुत ही मतलब नेगेटिव पॉइंट पे थी बिकॉज दे वर डाउन साइड एंड द अपोनेंट एनिमी वॉज ऑन द हिली एरियाज, मतलब वो ऊपर थे तो बोफोर्स को नीचे से फायर करना बहुत जरूरी था इफ द आर्मी वॉन्टेड टू गो अप द टेरेन। एंड मैम दिस इज अ गुड पॉइंट टू गेट इन टू द होल कारगिल डिस्कशन बिकॉज आप उसका एक बहुत मेजर पार्ट थी, आप आपके बेबी के साथ उस वक्त उस जगह पे प्रेजेंट थी। आई हाँ रियली वॉन्ट टू नो दिस स्टोरी कि मतलब मुझे पता है कि इंडियन आर्मी की मेंटालिटी एक वॉरियर मेंटालिटी होती है, एक बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी होती है, बट टू बी देयर विद अ स्मॉल बेबी ये नेक्स्ट लेवल है। आई रियली वॉन्ट टू गेट इन टू दिस एंड नो द होल स्टोरी नाउ। आई हैड अ स्मॉल बेबी, आई हैड माई सन हु वॉज जस्ट 2 years plus, एंड आई वॉज प्रेग्नेंट विद अनदर बेबी, और ये टाइम था जब कारगिल की लड़ाई छिड़ गई। करेक्ट माई टेन्योर वॉज कमिंग टू एन एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब मैं 97 में, कारगिल की लड़ाई से भी 2 साल पहले से मैं वहां थी, एंड राइट द टेन्योर देयर इज फॉर 24 months, 2 साल की टेन्योर होती है लेह की। तो राइट वो टेन्योर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता, कारगिल की लड़ाई नहीं छिड़ती, तो हम शायद और पहले नीचे आ जाते। लेकिन कारगिल की लड़ाई के टाइम पर ऑल पोस्टिंग्स वर स्टॉप्ड, जितने हमारे फौजी ट्रेनिंग इंस्टॉलेशंस में कोर्सेज चल रहे थे वो सब राइट रोक दिए गए, एंड ऑल ऑफिसर्स वर डाइवर्टेड टू द फ्रंट एरियाज। करेक्ट करेक्ट तो वो टाइम ऐसा था कि अच्छा, फौज में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लो मेडिकल कैटेगरी। जब आपकी हेल्थ एक लेवल पर आती है, उसके बाद आपको मेडिकल कैटेगरी लो करते हैं। से करेक्ट अगर मैं 6th month या 7th month में होती तो मेरी मेडिकल कैटेगरी को लो किया जा सकता था, करेक्ट बट दिस वॉज द टाइम वन आई वॉज 5 months प्रेग्नेंट, एंड दिस इज नॉट अ टाइम फॉर गेटिंग माई कैटेगरी डाउनग्रेडेड। फॉज करेक्ट इज वेरी क्लियर अबाउट द मेडिकल रेगुलेशन, और मेरी सेहत में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, टच वुड, इट वॉज अ वेरी नॉर्मल डिलीवरी, माई बॉडी वॉज स्ट्रॉन्ग, करेक्ट माई हेल्थ वॉज गुड, माई जोश वॉज हाई, एंड राइट सो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई स्टेइंग देयर। और फिर जब एक बार लड़ाई छिड़ गई, तब तो ये सोचने की ही 2 बारी बात नहीं थी कि मैं यहाँ रह सकती हूँ कि नहीं। मतलब दिस इज देयर थॉट वॉज नॉट इन माई हेड, वाह दिस वॉज द टाइम टू परफॉर्म, दिस वॉज करेक्ट नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। लेकिन करेक्ट मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सिंस माय हस्बैंड वाज फाइटिंग इन द्रास सेक्टर,
आपने द्रास सेक्टर का नाम सुना है? या द्रास सेक्टर जो है वो वर्ल्ड एशिया का, नॉट वर्ल्ड, एशिया का हाईएस्ट इनहेबिटेड एरिया है, करें जो सबसे कोल्डेस्ट है. कोल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया इज द्रास. राइट और ऑपरेशन विजय के टाइम पर, कारगिल की लड़ाई पे, द्रास में बहुत भयानक लड़ाई चल रही थी, तो माय हस्बैंड वाज देयर राइट फाइटिंग द बैटल. आई वाज इन लेह एंड आई वाज शटलिंग बिटवीन लेह एंड कारगिल. सो दैट डे, दैट टाइम आई वाज इन लेह. और लड़ाई के टाइम पर क्या होता है ना कि सब तरफ ब्लैकआउट कर देते हैं जैसी रात होती है, करेक्ट करेक्ट कि अगर दुश्मन का जहाज आएगा तो उसको कोई टारगेट नीचे दिखना नहीं चाहिए. करेक्ट और वैसे भी हम लोग जब लेह में थे, ये बात मैं बोल रही हूँ 99 की, तो वी डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन लेह. ओ ओके राइट एवरीथिंग वाज ऑन जनरेटर, एवरीथिंग वाज ऑन जनरेटर. राइट तो वो रात जैसे ही लास्ट लाइट होती थी, जनरेटर्स ऑफ हो जाते थे, जिससे एकदम अंधेरा रहे और दुश्मन को कोई भी हम एडवांटेज न दे. सो आई करेक्ट रिक्वेस्टेड माय कमांडिंग ऑफिसर, आई सेड सर दैट इज ओनली वन रिक्वेस्ट आई मेक. और मुझे मुझे लगता है मैं जिंदगी में एक यही रिक्वेस्ट करी है कि मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाऊंगी घर पे, राइट बिकॉज आई हैव नो टू टेक केयर ऑफ हिम. कोई नहीं है, करेक्ट माय करेक्ट हस्बैंड इज इन द फॉरवर्ड एरिया फाइटिंग द बैटल, आई एम इन माय यूनिट. और रात को जो ये अंधेरा हो रहा है, तो ये 2 साल का बच्चा है, मैं इसको कहाँ करेक्ट छोड़ू. सो ही सेड ओके. तो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में मुश्किल डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि ये राइट फौज की कोई कवायद तो है नहीं कि आप ऑफिस में बच्चा ला सकते हैं. लेकिन दैट वाज द टाइम दैट माय कमांडिंग ऑफिसर आल्सो अंडरस्टूड दैट व्हेन आई एम इन द ऑफिस, हम 24 घंटे दफ्तर में थे, 24 करेक्ट घंटे वहीं पर एक छोटी सी कॉट लगी हुई थी, कि रात दिन हम घर ही नहीं जा रहे थे. आई वाज देयर ओनली, आई वाओ रिमेंबर फॉर अबाउट 4.55 डेज आई हैड नॉट चेंज माय यूनिफॉर्म. वाओ आई वाज देयर ओनली, क्योंकि एयरक्राफ्ट अपॉन एयरक्राफ्ट, फुल ऑफ रेजिमेंट्स, मतलब जवान हजारों की संख्या में लेह में लैंड हो रहे थे. कुछ रोड राइट के रास्ते आ रहे थे, कुछ बाय एयर लैंड कराए जा रहे थे. दे वुड कम टू आर डिपो वेयर वी वुड इक्विप देम, देन दे राइट वुड गो टू एयर सी डिपो जहां उनका राशन पानी दिया जाता था. फिर हमारे एम्यूनिशन डंप से उनको हम हथियार, अपने ये गोले बारूद ये इशू कर रहे थे. तो माय कमांडिंग ऑफिसर सेड ओके, यू कैन ब्रिंग द चाइल्ड. और वो छोटा सा 2 साल का बच्चा, यू कैन इमेजिन, एंड ही वुड कीप आस्किंग देम, भैया आप लड़ाई के लिए जा रहे हो, भैया आप लड़ाई के लिए जा रहे हो. वाओ एंड दोस जवान्स, आई स्टिल रिमेम्बर देम, दे वुड जस्ट यू नो उसके सिर पे ऐसे प्यार से ऐसे हाथ फेर रहे हैं. शायद वो घर में जो उनका बच्चा छूटा हुआ है, जिस वो सोचते होंगे कि शायद हम वापस आ भी पाएंगे कि नहीं, हम इसको राइट वापस से अपना बच्चा देख पाएंगे कि नहीं, वो शायद उसमें अपना बच्चा देख रहे थे. दैट इज वॉट इज रियली ब्लेसिंग हिम टिल डेट. करेक्ट करेक्ट बस वो ऐसे समय निकल गया, मुश्किल समय था लेकिन राइट निकल गया. वाओ आई लिटरली हैव गूज बम्स मैम, क्योंकि वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता, लाइक टू बी देयर इन अ कंडीशन वेयर प्रोबली उस टाइम तो लोगों को पता भी नहीं था. मतलब अब व्हेन वी लुक एट द कारगिल वॉर इन हाइंडसाइट, वी नो कि कितना एम्यूनेशन एंड कितना यू नो मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स वर यूज, एंड शायद उस टाइम पे न्यूक्लियर वॉर तक वो बात पहुंच सकती थी. एंड टू बी देयर विथ योर फैमिली विथ योर किड इज मतलब इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है. एंड यू वर देयर, यू आर डूइंग दैट. मैम बिफोर वी कम टू अ सेगमेंट वेयर वी टॉक अबाउट शौर्य टेल्स, जहां पे आप इंडियन आर्मी की बहुत सारी वीर गाथाएं बताती है, आप कहानियां बताती है उन आर्मी ऑफिसर्स की जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि आर्मी कभी खुद से ये बताती नहीं है कि वो क्या कर रही है, बट इन द बैकग्राउंड दे आर डूइंग सो मच ऑन द बॉर्डर, एंड दैट्स वाई सिविलियंस लाइक मी कैन स्लीप हियर पीसफुली. बिफोर वी कम टू दैट सेगमेंट, आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम यू कि कारगिल वॉर एग्जैक्टली क्या था, बिकॉज आज जब मैं बात करता हूँ यू नो जेनरेशन जी से, तो फॉर अ लॉट ऑफ देम कारगिल वॉर उनके टाइम पे तो था ही नहीं, उन्हें सिर्फ जो उन्होंने स्कूल बुक्स में पढ़ा है वही पता है. तो फॉर देम कैन यू एक्सप्लेन द होल कारगिल वॉर? कारगिल वॉर, हम उसको कारगिल वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि कारगिल की हाइट्स इसमें इन्वॉल्व थी. ठीक है, राइट अब हुआ ऐसा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे बैकग्राउंड में लेके जाऊं, तो देर इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट वी डू
इंडियन आर्मी, और ऐसे ही पाकिस्तान आर्मी भी करती है, करेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हाइट वाले, बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, वहां विंटर्स के टाइम पर बहुत ज्यादा एक तो ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है और इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, राइट? सो जब सर्दियां होती हैं तो हमारे जो फौज है वो ऊपर की कुछ पोस्ट्स को वैकेट कर देते हैं और नीचे आते हैं, और जैसे ही वापस से स्प्रिंग सीजन शुरू होता है और हल्की सी जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो वापस से ऊपर जाते हैं और अपनी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है? ये सीन काफी सालों से चल रहा था, लेकिन ये टाइम पर, मतलब जब 98 की विंटर्स हुई, तो पाकिस्तान पीछे नहीं गया, हम लोग तो अपने उससे नीचे आ गए, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारी ऑक्यूपाइड, जो हमारी पोस्ट थी, उन्होंने विंटर्स का फायदा उठाकर वहां पर अपने रेगुलर ट्रूप्स और कुछ ये मुजाहिद्स को वहां लाकर हमारी पोस्ट में बिठा दिया, राइट? और भी उन्होंने कई सारी नई नई पोस्ट्स बना दी। करेक्ट। नाउ हियर वी आर थिंकिंग कि जैसे ही हमारा रोड ओपनिंग होगी हम लोग ऊपर जाएंगे, अपनी पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन इट वॉज अ शॉक फॉर अस, एक्चुअली इट वॉज अ शॉक फॉर अस, एंड इट इज एक्चुअली अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस कि हमें पता नहीं चला उस टाइम पर कि हमारे साथ ये धोखा हो गया, हमारे साथ ये गलत हो गया, कि जो पोस्ट्स दोनों के म्यूचुअल उससे हम लोग वैकेट करते थे वो उन्होंने वैकेट नहीं करी, जबकि हमारी ऑक्यूपाई भी करी, राइट? और फिर यहाँ शुरू हुई लड़ाई कारगिल की, ठीक है? ये शुरू हुई मई के महीने से, राइट, जब हम लोग ऊपर जाने लगे, और द फर्स्ट कैजुअलिटी दैट वी फाइंड इज सौरव कालिया एंड हिज ब्रेव 5 मेन फ्रॉम जाट रेजिमेंट, कि ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आया, कुछ शेफर्ड्स ने, कुछ बकरियां चराने वाले, याक चराने वाले लोगों ने बोला कि हमें ऊपर कुछ मूवमेंट दिख रहा है, और वो पूरा एरिया इट इज वेरी फ्रेंडली टू इंडियन आर्मी, राइट? बहुत वहां के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इंडियन आर्मी को, सो दे इमीडिएटली केम टू आर्मी कैंप एंड सेड कि हमने वहां पर कुछ मूवमेंट दिखा है, तो आर्मी ने बिल्कुल उनकी बात को सीरियसली लिया, और जैसे ही हमने ऊपर टुकड़ियां भेजी तो वो टुकड़ियां एम्बुश में फंस गई, कैप्चर कर लिया उन पाकिस्तानियों ने सौरव कालिया को और उनके 5 लोगों को, और फिर आई मीन दैट आई हैव कवर्ड इन माय रादर सौरव कालिया, आई डेडिकेटेड माय फर्स्ट शौर्य टेल टू हिम, ही इज द एपिसोड 1 ऑफ शौर्य टेल्स इज ऑन हिज लाइफ स्टोरी, कि कैसे उनको कैप्चर किया गया, कैसे उनको टॉर्चर किया गया अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, उनके जेनिटल ऑर्गन्स निकाल दिए गए, उनके शरीर को जलाया गया, which is not done to any prisoner of war. Correct. And they wanted to get all information about Indian army. So यहां से शुरू हुई कारगिल की लड़ाई, because that is the time we realized that ये कोई irregulars नहीं है, ये कोई खाली मुजाहिद नहीं है, ये कोई terrorist नहीं है, ये regular पाकिस्तानी army है, एक regular पाकिस्तानी। अच्छा, आप किसी भी आर्मी का, एक हम लोग को जब सिखाया जाता है एकेडमी में कि जो हाइट पे बैठा है उसको हमेशा एडवांटेज है, राइट? अगर अगर हाइट पे एक जवान बैठा है तो हमको नीचे से 10 जवान ऊपर भेजने, करेक्ट, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो बहुत लंबे बड़े एरिया को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, करेक्ट। और पाकिस्तान नाउ वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। पाकिस्तान ने जो इतने हाइट पे जो पोस्ट्स अपनी ऑक्यूपाई करी और जो नई पोस्ट्स बना दी, वहां से वो नीचे नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो नीचे से जो नेशनल हाईवे जा रहा था जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है, उसको काटना चाहते। वाओ, यस। और ऐसा करके वो पूरे लेह लद्दाख एरिया को कट करके उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे, जिससे कि ये एक मामला इंटरनेशनलाइज हो, बिकॉज दे वांटेड टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर बेसिकली, करेक्ट करेक्ट। एंड दिस वाज अ टारगेट, मतलब जब हम बैटल ऑफ तोलोलिंग सुनते हैं, जब हम बैटल ऑफ टाइगर हिल, बट आई विल रियली रिकमेंड यू टू गो टू शौर्य टेल्स एंड लिसन टू दोज स्टोरीज, कि कैसे हमारे जांबाजों ने वो लड़ाई करी
और ये थी कारगिल की लड़ाई जो 3 महीने चली। वी वर एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज क्योंकि पाकिस्तानी हाइट्स पे थे, करेक्ट उनके पास पूरी एडवांटेज थी, करेक्ट उन्होंने टाइम से अपनी तैयारी कर रखी थी, उनके पास गोला बारूद राशन पानी मतलब वो जम के बैठे हुए थे। लेकिन राइट जो हमारी बेसिकली जो सेहरा बनता है सिर पर वो जूनियर लीडरशिप के बनता है, द यंग ऑफिसर्स। करेक्ट मतलब आपने विक्रम बत्रा की स्टोरी सुनी, मैं आपको सौरभ कालिया के बारे में बता रही हूँ, मनोज पांडे, अनुज नय्यर, और जो हमारे जवान है, जो हमारे करेक्ट जेसियोज हैं, मतलब उन्होंने वो कहते हैं ना माँ का कर्ज चुकाया, और हमने एक एक समवन वेरी राइटली पुट इट दैट वी वन द बैटल ऑफ कारगिल इंच बाय ब्लडी इंच, एक एक इंच को खून से सींच सींच कर हम आगे बढ़ते गए, राइट लेकिन एंड में एवरीवन नोज जीत हमारी भी है। करेक्ट करेक्ट मैम, आप शौर्य टेल्स पे काफी सारी ऐसी कहानियां बता रहे हैं, एंड आई वुड रेकमेंड एवरीवन की प्लीज गो एंड वॉच दीज वीडियोस विच मैम मेक्स, बिकॉज इंडियन आर्मी ऑफिशियली कभी मतलब उस लेवल पे नहीं बताती, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक पीपल फील कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देम स्पेशली। इंडियन आर्मी आई मीन दे आर द ट्रू सन्स ऑफ सॉइल, तो वो नहीं इस तरह से बताएगी, बट यू शुड डेफिनेटली गो चेकआउट मैम का यूट्यूब चैनल। एंड मैम आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, बिकॉज यू हैव पुट दिस वन क्लिप आउट एंड देयर इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फिल्म शेरशाह, नाउ यू आर समवन जो कैप्टन विक्रम बत्रा से एक्चुअल में मिली थी, कैन यू डिस्क्राइब दैट मीटिंग विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउ वॉज ही एज अ पर्सन? I met Vikram Batra and I am also very proud to say that I have also met Manoj Pandey and करेक्ट, I have also met Saurabh Kalia. Saurabh Kalia को तो मैंने अपने घर में लंच किया उनके साथ ओ वाओ, and we had such conversation कि बाद में जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो actually it affected me a lot. For राइट, many nights I could hear him scream. That was my वाओ, my thought. हम विक्रम बत्रा की जब बात करते हैं, सो जब लड़ाई के टाइम पर उनकी रेजिमेंट भी जैकरिफ रेजिमेंट उनकी ऊपर आई करेक्ट, और मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की तरह थी, कारगिल एंड बियॉन्ड एरियाज को लुक आफ्टर कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग इन माय बेस एंड मॉनिटरिंग जो इशू चल रहा है, रेजिमेंट्स के ऑफिसर्स आ रहे हैं करेक्ट, एंड आई फाइंड दिस ऑफिसर कमिंग एंड ही जस्ट saluted and I saluted back and said, "Good afternoon, ma'am," and we shook hands. He said, "I am Vikram Batra." He said, "I am Captain Vikram Batra." right. I said, "I am Captain Yashika Hatwal Tyagi." And we just got on talking about how it is in the front area, and I told करेक्ट, him, "कि मुझे आपसे जलन हो। I am jealous of you that you are there." फाइटिंग इन द फ्रंट एंड आई करेक्ट, कैन नॉट बी देयर क्योंकि अभी मैं कॉम्बैट में नहीं जा सकती हूँ, यू नो करेक्ट, नन ऑफ द लेडी ऑफिसर्स आर अलाउड बट राइट, आई वुड हैव लव्ड टू बी देयर एंड ही सेड जंग पे जा रहे हैं आपको खुद जलन हो रही है। मैंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल जलन हो रही है क्योंकि करेक्ट, मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहती थी बिल्कुल वही। बट ही सेड मैम व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रेवरी आई थिंक योर working here right under the nose of the Pakistanis in this condition when you are pregnant, I think this makes my spine stand erect. वाह And that is something which has stayed with me. वाह, That has that. So this was my very short meeting with him. But let me tell you, in real life, he was much more handsome than what we see in करेक्ट movie. He was more articulate करेक्ट, and an officer and a gentleman. राइट, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो मैम, लाइक देर वॉज दिस वन मोर फिल्म विच हैड कम बिफोर शेरशाह विच वॉज कवरिंग द होल कारगिल वॉर, एंड उसमें अभिषेक बच्चन प्लेज हिज रोल, उसमें भी एक जो कैरेक्टर उनका बताया कि ही वॉज वेरी फनी एंड विटी, एंड इन शेरशाह एज वेल, सो इन रियल लाइफ वॉज ही एग्जैक्टली लाइक दैट? बिकॉज इंडियन आर्मी वेन वी थिंक अबाउट दैट, इट्स लाइक द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड इज दैट फियर्सनेस, दैट यू नो एक जोश जो होता है, बट वेन यू सी कैप्टन विक्रम बत्रा एग्जैक्ट अपोजिट, सो कैन यू टॉक अबाउट दैट? मैं आपको दो चीजें बताऊंगी जे, ठीक है? पहली चीज, फौजी लोग बहुत बॉयस्ट्रस, राइट दे आर फुल ऑफ लाइफ, करेक्ट,
हंसना, बोलना, एंजॉय करना, दे लव इट. वाई? बिकॉज दे आर द पीपल हु एक्चुअली नो हाउ शॉर्ट लिव्ड लाइफ इज. दे हैव सीन या डेथ एट सच क्लोज करेक्ट, मेक क्वार्टर्स सेंस. दैट दे नो हाउ टू लिव ईच मोमेंट. इसलिए जो फौज का एक जो पूरा एक ऐसे शो क्रिएट होता है ना, एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट है, एकदम ऐसे मूवीज दिखाते हैं, गोल्फ कैप लगाई राइट हुई है और राइट हा हा करके हंस रहे हैं, एक कुत्ता हाथ में पकड़ा हुआ है, एक छड़ी हाथ करेक्ट में, सो दैट इज अ वेरी स्टीरियोटाइप. करेक्ट. लेकिन जब आप फौजियों से बातें करने के लिए बैठेंगे तो आप देखेंगे हर फौजी किस्से सुनाने में माहिर होता है, करेक्ट, उसके एब्सोल्युटली पास कितनी स्टोरीज होती हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू. आई एम अ स्टोरी टेलर, राइट. राइट? आई टेल स्टोरीज बिकॉज आई एम अ फौजी, आई थिंक. बिकॉज हम हर 2 साल में एक नई जगह जाते हैं, हम करेक्ट हर 2 साल में नए लोगों को मिलते हैं, और हमको ये पता है कि हमारा टाइम इस स्टेशन पे 2 ही साल है, तो करेक्ट हम जितनी जल्दी खुलते हैं, हम जितनी जल्दी बातचीत शुरू करते हैं, उतना जरूरी है, नहीं तो हमारे पास टाइम उतना ही कम बचता है उस स्टेशन में. राइट एंड वी हैव टू लिव ईच मोमेंट, क्योंकि किसी या भी टाइम पर कॉल आएगा, किसी भी टाइम पर जंग छिड़ेगी, बिना जंग बता के तो आती नहीं ना. करेक्ट. सो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, सो लिव ईच डे, एंजॉय वाह दैट डे, राइट? एंड करेक्ट. द स्टोरी अबाउट वेदर विक्रम बत्रा वॉज वेरी जोवियल, यस, आई मेट हिम फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, एंड या यस यस ही हैड दैट स्माइल दैट करेक्ट. इमिडिएटली कनेक्टेड यू, या इमिडिएटली वाह कनेक्टेड यू. और मैं तो उनसे ऐसे टाइम पर मिली जब जंग का समय, राइट. जब ये नहीं जब पता था कि हम यहाँ खड़े हैं, यहीं हमारे ऊपर आके गोला गिरेगा. करेक्ट करेक्ट तो आप अपने आप को एक्सपेंडेबल समझते हैं. एक्सपेंडेबल राइट मतलब बच गए तो आ गए घर, नहीं बचे तो हमारी गिनती नहीं है, वाओ हम सिर्फ एक शहीद कहलाएंगे उसके बाद. राइट राइट सो दैट कीपिंग द मोराल है, मैंने बोला ना, एक जैसे एक फौज को जीतने के लिए हाई मोराल बहुत जरूरी है, यस और इंडियन आर्मी का मोराल वाकई में हाई था, ऑफिसर्स का मोराल बहुत हाई था, तभी उन्होंने अपने जवानों के मोराल को इतना हाई रखा कि करेक्ट इतने कठिन सर्कमस्टांसेस में भी, जहां दुश्मन आसानी से हमें मार सकता है कभी भी, वहां पर हम अपने जोश और जुनून से हम इतना भर सकते हैं जवान को कि ट्रू वो आगे जाकर उस जंग को जीत कर ले आए. राइट. सो मैम, या आपने आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा मोराल उस टाइम पे बहुत हाई था फुल इंडियन आर्मी का. एंड वैसा ही कुछ यू नो सिविलियंस का भी उस टाइम पे था. मतलब जितना मैं अब अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो दे कीप टेलिंग मी कि हमें न्यूज मिलती थी एंड वी यूज टू फील जॉयस जब हमें पता चलता था कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे. मैम, वॉज देर एनी सच ऑपरेशन और एनीथिंग जो शायद यू नो लोगों को उस स्केल पे पता नहीं है बट पता होना चाहिए अबाउट द कारगिल वॉर? जे जो आपने बात बोली ना आपके पेरेंट्स की, वो बिल्कुल सही है. कारगिल की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसको हम कहते हैं ये रियल टाइम में लड़ाई हो रही थी. राइट द जर्नलिस्ट्स, द टेलीविजन क्रूज, द न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट्स वर गिवन एक्सेस टू द प्लेसेस इन द फ्रंट फ्रॉम वेयर करेक्ट देवर फिल्मिंग. मतलब टाइगर हिल की जो वो फुटेज है, अगर आप उसे देखें, देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल. करेक्ट करेक्ट एक दिन में 24 घंटे के अंदर हमने 9,000 शेल पाउंड किए उसे, एक पहाड़ी के ऊपर, वाह एक नीचे 120 गन्स का आर्क बना था, एंड दोज वाह 120 गन्स वर पाउंडिंग वन आफ्टर दी अदर, वन आफ्टर दी अदर, एंड राइट दिस वाज बीइंग टेलीवाइज्ड एंड दिस वाज बीइंग डायरेक्ट टेलीकास्ट. तो लोग अपने घर में अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठकर उस लड़ाई को होता हुआ देख रहे थे. यूनिफॉर्म वन फोर थ्री ऑफिसर लिसनिंग ओवर. What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. At the moment we
At the moment we are running for cover. We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything. There was another shell. Careful, careful. Now we really are going into the bunker. I just hope so, sir. कोई गिर गया तो nothing is going to be left here. Hello, listen, Shivnath, I'm calling from a bunker. I can't speak. Quickly take down the details. Yes, and over here, sir. We launched multi-barrel rocket launcher attack in addition to the direct firing by Bofors guns. Yes. Oh my God. Hello. It's the pattern of firing which the Baki were firing. You can't hear any small arms, and our RT has also stopped. That means we're gone, and whatever we're firing is going beyond the Tiger Hill. That means our troops are there on top. 300-400 to nahi ho gaya. Nahi nahi. Cheers. Cheers to Tiger and to the press. After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. And with this recovery, the Indian troops hope to regain control of the Dras sector almost immediately. It truly is the dawn of a new day with Ajmal Jami. Newspaper mein roz ki khabar pad rahe the. So this was actually a battle which connected civilian population to Faujis. Correct. और इसीलिए ही इतना civilian support मिला फौज को और इतना लोग जानते हैं कि कारगिल की लड़ाई हुई. कारगिल की लड़ाई में टाइगर हिल नहीं तो नाम लोगों को कैसे पता चलता. तोलोलिंग नाम कैसे पता चलता. Absolutely. वो घर घर की बातचीत होने लगी थी. बच्चों को फैंसी ड्रेस में सिर्फ फौजी बना रहे थे लोग उस समय. Because वो इतना मुझे लगता है आपको ही बनाया होगा छोटे में. हाँ, so, हाँ, definitely is, क्योंकि लोगों के अंदर जो वो एक नेशनलिज्म का जो एक जोश जुनून कॉर्पोरेट्स आगे आए कई तरीके से मदद करने के लिए जो घायल फौजी हैं उनको रिहैबिलिटेशन के लिए. तो कारगिल की लड़ाई बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड लड़ाई है. लेकिन उसमें एक एक स्टोरी है विच इज माय पर्सनल फेवरेट स्टोरी. Because that gives me goosebumps every time I tell that story. It's a story of Captain Nichezaku Kegruse. Okay. So, inko ye ek services officer the, mane logistics officer the, lekin unko attachment pe 3 saal ki attachment pe Rajput regiment ke saath attach kiya gaya tha, Rajputana Rifles ke saath. Now, this young officer was leading the Ghatak platoon. Ghatak platoon हम किसको कहते हैं? फौज में तैयारी के कई parameters होते हैं. आपको physically fit होना है, आपको running में बहुत अच्छा होना है, आपको obstacles में बहुत अच्छा होना है, आपको हथियार चलाने आने चाहिए और सबसे बढ़िया तरीके से हथियार चलाने आने चाहिए. कई तरीके के हथियार होते हैं. And you have to be very good in your commando course. So इस तरीके के जो भी parameters में किसी भी unit के best जवान जो होते हैं, 26 जवान जो होते हैं उनसे मिलकर बनती है घातक प्लेटून. राइट. इट इज लाइक द शार्पेस्ट एज, टिप ऑफ द स्पीयर जिसको कहते हैं. करेक्ट. द फर्स्ट ऑपरेशन विल बी लॉन्च्ड बाय द घातक्स. तो निखेजाकू केगरुसे वाज लीडिंग दिस घातक प्लेटून. तो आप सोचिए, नाउ इन योर माइंड आई वॉन्ट यू टू पिक्चर कि वो घातक प्लेटून कितनी घातक होगी जिसको लीड कर रहा है नागालैंड का हेड हंटर. करेक्ट. जिसके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने एक से एक बहादुरी की मिसालें पेश करी हैं, विच इज अ वॉरियर ट्राइब. ट्रू. राइट. और उनके जो 25 जवान हैं वो है राजस्थान के रण बांकुरे. करेक्ट. तो नाउ ऐसे 25 जवानों के सामने पाकिस्तानियों की क्या मिसाल थी. Right. इनको टास्क दिया गया कि एक एक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानियों की एक पहाड़ी के ऊपर, और उस पहाड़ी का नाम था क्लेफ ब्लैक रॉक. ओके. क्लेफ ब्लैक रॉक की जो ये पाकिस्तानी पोस्ट थी इसके आगे एक चट्टान थी जिसकी वजह से इनको कवर मिला हुआ था और हमारे हथियार इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे थे. और ऊंचाई से
ये नीचे से आने वाले हमारे मूवमेंट पे नजर रख रहे थे और उनकी वजह से हमारे ऑपरेशंस को नुकसान पहुंच रहा था. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम ऑपरेशन चलाएं और क्लेफ्ट ब्लैक रॉक के ऊपर जो ये पाकिस्तानी हैं इनको हम न्यूट्रलाइज करें. तो घातक प्लटून को ये काम मिला रात के अंधेरे में -10 to 12 degree टेम्परेचर. गर्मियों का टाइम था हाँ, इसलिए -10-12. सर्दियां होती तो ये और हो सकता था. करेक्ट. ये रात के अंधेरे में ये प्लटून चल पड़ी आगे. अब जंग का टाइम है, दुश्मन भी अलर्ट है. देवर वॉकिंग बिल्कुल बिल्कुल किसी को आवाज ना आए, लेकिन स्टिल द ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज वाज आल्सो वेरी अलर्ट. उन्हें अच्छा, वहां के पहाड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई झाड़ियां नहीं है, जिनके ऊपर कोई पेड़ नहीं है, बेयर है, बिल्कुल रेत है, पत्थर है, रोड़ियां हैं. तो आप पैर यहां रखोगे तो वो पत्थर नीचे फिसल रहे थे. ऊपर से पाकिस्तानी पोस्ट में से जो उनका गार्ड था उसने एक जनरल डायरेक्शन पे फायर खोल दिया. और जैसे ही वो एक बर्स्ट उसने फायर किया, बाकी तो गोलियां यहां वहां गई, लेकिन किसी एक चट्टान से एक गोली का स्प्लिंटर उड़कर आया और कैंगरू से के पेट में आके गया एंड हिज इंटेस्टाइन्स वर डैमेज्ड. खून बहने लगा, लेकिन यू कैन इमेजिन दैट एड्रेनलिन वाज सो हाई ही डिड नॉट इवन फील दैट पेन. एक जवान ने उनको बोला, साहब ऐसा लग रहा है कि आपका खून बह रहा है पेट, घाव हो गया. उन्होंने कहा फिकर नहीं, कोई फिकर नहीं, बेल्ट जरा कस के बांधता हूं, खून रुक जाएगा. ओके. ही कुड हैव सेड तुम लोग आगे चलो राइट, लेकिन इंडियन आर्मी का ऑफिसर क्या कहता है, वो ये नहीं कहता है तुम चलो मैं आता हूं, वो कहता है मेरे पीछे आओ. Wow. He's always leading from the front. मेरे पीछे आओ. Correct. And he said, अब तो गोली लगी है ना, अब इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा, so I will try to climb this rock. अब वो cliff ऐसा था, जे, that was a sheer cliff. Right. और बर्फ और ओस, इसकी वजह से वो एकदम चिकनी हो रखी थी. Yes. उसमें कोई फुटहोल्ड नहीं था और उसके पीछे यहां पर पाकिस्तानी थे. Now, प्लान बनाया गया कि एक इसके ऊपर चढ़ेगा, रस्सा फेंकेंगे, ऊपर एक फुट होल्ड मिलेगा, उससे हम रस्सी बांधेंगे और फिर धीरे धीरे करके पूरी प्लटून ऊपर चढ़ेगी. नाउ निकेजाकू कुंगरू से वॉज लीडिंग, पेट से खून बह रहा है, एक रॉकेट लॉन्चर पीछे और अपनी जो राइफल है, जो पर्सनल वेपन है वो लगी है, एंड ही इज ट्राइंग टू क्लाइम. हाथ यहां रखें फिसल के नीचे, हाथ यहां रखें फिसल के नीचे, कोई कोई होल्ड नहीं. एंड देन ही डिड समथिंग विच इज सो आउट ऑफ बॉक्स. मैं कई बार एक टर्म यूज करती हूं, डोंट थिंक आउट ऑफ बॉक्स, जस्ट इरेज द बॉक्स. वाओ, करें इरेज द बॉक्स. राइट. एक नया सिचुएशन है तुम्हारे सामने जिसके लिए तुमको नया स्ट्रैटेजी ही लगाना पड़ेगा. Can you imagine in that -10 degree temperature, he took off his shoes, he took off his socks. क्योंकि बचपन में जब वो नागालैंड के गांव में खेलते थे तो उन्होंने देखा था कि किसी चिकने पेड़ पे चढ़ने के लिए नंगे पैर फुटहोल्ड बनता है. Okay. और उन्होंने उस टाइम वही स्ट्रेटेजी लगाया एंड ही वॉज एबल टू क्लाइंब. इमेजिन वॉरियर क्लाइंबिंग अप लाइक अ प्यूमा. And he reached, रास्ता लगाया, he managed to reach at the top. पेट से खून बह रहा है, नाखून टूट चुके हैं, पूरे छिल चुके हैं. And he was there, all with commando paint. He took off his rocket launcher, held it, and dum dum dum, एक एक करके उन्होंने 7 बंकर बर्बाद कर दिए. Wow. Now Pakistanis didn't know what had happened. They just aimed their automatic. And they fired at him. So here he was with his rocket launcher firing at their bunkers. और सामने से वो उनके ऊपर अपने automatic LMGs और HMGs से firing कर रहे थे. Right. वो burst इतना तेज था जो पाकिस्तानियों का आया that he was lifted off the ground. और वो बिल्कुल खड्ड के नीचे गिरे जाकर. Oh damn. By that time his platoon was there. Okay. और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों के आधे से ज्यादा काम तो कर चुके थे निकेजाकू कुंगरू से. करेक्ट. जो बचे हुए पाकिस्तानी और बचे हुए बंकर्स थे उनको उनकी
जो घातक प्लटून थी राजरिफ की, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, तिरंगा लगाया, एंड देयर वर्ड्स स्टिल रेवर्बरेट देयर। दे सेड, वो उन्हें प्यार से नीपू साहब कहते थे, क्योंकि राजस्थान के लोगों के लिए नीखे जाकू कैंगरू से बोलना बड़ा मुश्किल था, तो वो उन्हें प्यार से नीबू साहब कहते थे। तो उन्होंने बोला, नीबू साहब, ये आप ही की जीत है और ये सलूट आप ही के लिए है। वाओ, सो दीज आर द स्टोरीज दैट मस्ट बी टोल्ड टू द यंगर जनरेशन। एब्सोल्युटली, दीज आर लार्जर देन लाइफ पीपल। Exactly, ma'am. And like when you were telling the story, I legit have goosebumps and there's tears in my eyes. I don't know, mere chashme kya this dikh raha hai nahi. But these, I definitely agree with you. Ye story samne aana bahut zaruri hai. And your YouTube channel and your Instagram account, you are doing that on those places. So please, whoever is, you know, listening on Spotify or watching on YouTube, please go follow ma'am everywhere on social media. Bahut kuch tumhe naya janne milega. नया जानने को मिलेगा। एंड इन माय यूट्यूब चैनल आई आल्सो मेक इट अ पॉइंट दैट आई ब्रिंग अनटोल्ड स्टोरीज। राइट, देखो कई कहानियां लोगों ने सुनी नहीं है, वो उन्हें रटी हुई हैं। करेक्ट, लेकिन कुछ कहानियां जो सुनी नहीं है, ऐसे ऑपरेशंस हैं हमारे जो हम कैसे पाकिस्तानियों के घर के अंदर घुस के हमने मिसाइल बोट से उनके कराची पोर्ट तोड़ा दिया, जो 7 दिन तक वहां सूरज की रोशनी नहीं आ पाई नीचे। व्हाट थिंग्स नेवल पीपल हैव डन, व्हाट आर द great operations that Air Force has carried out. Yeah. तो ऐसी बहुत सारी stories हैं, सुननी चाहिए। Absolutely. We owe it to those martyrs. Yes, absolutely, ma'am. Ma'am, coming towards the end of this podcast, जब हम Indian Army की बात करते हैं, तो हमें ये हमेशा देखने मिलता है कि मतलब बहुत सालों से आर्मी हमारी चले आ रही है। It's a institution जो एक बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म भी करता है एंड मैनेज भी हुआ जाता है। तो आई वांट टू नो कि ये किस वजह से, लाइक व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस, कि जनरेशन बाय जनरेशन हम इस तरह के यू नो वॉरियर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इस हाई लेवल थिंकिंग वाले आई शुड से यू नो सुपर हीरोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर आर्मीज, बट इन बिकॉज आई एम एन इंडियन, सो आई कैन कनेक्ट विद दिस आर्मी, देयर फिलॉसफी, देयर माइंडसेट। आई वुड रियली लाइक to dive into this and get to know ki ye kya philosophy hai and kaise ye manage hota hai. Ki jab hum training ke liye academy pahunchte hain aur usse bhi pehle aur piche jaye hum, jab army mein entry ke liye, army navy air force tino ki baat karte hain, right. Army navy and air force ki jab entry hoti hai to ek to hota hai written test, right? That checks you for your mental acumen. Correct. And second, which is more important than the first one, is the SSB. SSB is the test of your personality. Correct. SSB checks you for your psychology. SSB checks you for your mindset. Everything right. else is trainable. आपको दौड़ना नहीं आता, आपको रस्सा चढ़ना नहीं आता, आपको हथियार चलाना नहीं आता, नहीं आता ना। आप स्कूल के बच्चे थे, आप कॉलेज के बच्चे, आपको नहीं आता है। Correct. लेकिन माइंडसेट तो आपका अपना है ना। Absolutely. तो जिसके अंदर वो माइंडसेट है वो एसएसबी में सेलेक्ट होता है। Right. और उसके बाद होता है एक बड़ा बड़ा थोरो मेडिकल टेस्ट। तो फौज के जो पैरामीटर्स हैं लेने के, किसी भी नए रिक्रूट को या किसी भी नए कैडेट को, बहुत स्ट्रिंजेंट है। Right. कई बार हम सुनते हैं, हम लोग कि फौज में कितने हजार ऑफिसर्स की कमी है, फौज में ऑफिसर्स की कमी है, तो भाई फिर लोगों को एसएसबी में रिजेक्ट क्यों करते हो? टेक देम। बट यू सी, आर्मी सेज वी आर विलिंग टू वर्क ऑन लेसर नंबर ऑफ ऑफिसर्स, बट वी आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। वी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वांटिटी, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। वी विल नॉट टेक एनीवन हु डज नॉट फिट दैट पैरामीटर। करेक्ट। और इस ये बड़ा लेसन है किसी भी एचआर के लिए। फौज में कोई नौकरी छोड़ के भागता नहीं है। आप बाहर देखिए, यू मस्ट बी सीइंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लोग एक जगह से दूसरी नौकरी बिल्कुल ट्रेपीज आर्टिस्ट की तरह भागते हैं। द बिगेस्ट जॉब ऑफ एचआर इज टू रिटेन, राइट। लेकिन फौज में हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती। द पीपल हुम वी have are driven, so Correct. they are
राइट फ्रॉम द डे वन जब वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो दे आर टोल्ड दैट दे बिलोंग टू एन इंस्टीट्यूशन विच हैज प्रोड्यूस्ड द ब्रेव मैन. और जब शुरू से ही आप उस नौकरी के लिए एक गर्व की भावना अंदर भरते हैं करेक्ट सो यू हैव द स्टैंडर्ड्स लेड आउट इन फ्रंट ऑफ यू द ट्रेनिंग दैट यू आर गिवन इज वर्ल्ड क्लास एंड यू आर टॉट फ्रॉम डे वन दैट इट्स ओके इफ यू आर नॉट एक्सीलेंट करेक्ट इट्स ओके बट यू हैव टू बी रेजिलियंट आपको कोई काम नहीं आ रहा तो आपको इतनी बार वो काम कराया जाएगा कि बाय द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग यू आर परफेक्ट इन दैट. आप दौड़ नहीं पा रहे हैं ना से पहले दिन रन हुई और आप रनिंग नहीं कर पाए पूरी आप आधे में गिर गए या आप एकदम हाफते कांपते पहुंच रहे हैं और आपने बहुत लंबा टाइम ले लिया माइंड यू आपको अगले एक महीने तक पनिशमेंट सी रनिंग की मिलेगी बाय द एंड ऑफ विच यू आर कमिंग इन द फर्स्ट एनक्लोजर आप एक्सीलेंट का टाइमिंग दे रहे हैं right. तो ये आप बोल ही नहीं सकते कि ये काम मुझे नहीं आता. सो फ्रॉम द डे वन यू आर टोल्ड एंड यू आर मेड टू लिव बाय द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ हॉलमार्क बाय इटसेल्फ. Right. तो जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं जब आंधी आए बाढ़ आए भूकंप आए ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए कर्फ्यू लग जाए और तो और कोरोना हो जाए तो भी फौज को बुलाया गया करें सो यू व्हाई आर्मी इज कॉल्ड एवरी टाइम एज द लास्ट मेजर. आर्मी एक ब्रह्मास्त्र है जिसको आखिरी टाइम पर निकालती है सरकारें भूकंप आए भूचाल आए अर्थक्वेक आए बाढ़ हो जाए कर्फ्यू लगे कोरोना हो एवरी टाइम वी कॉल इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी है ना ऑपरेशन को जीत चलाया था जिसमें इंडियन आर्मी को कहा गया कि आप कोरोना से लड़ने में अब देश के सामने आइए. और क्या किया तीनों फौज तीनों सर्विसेज ने मिलके ग्लोब मास्टर्स वेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गॉट ऑक्सीजन टैंक्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड फार्मा स्टफ फ्रॉम different parts of the world. हमारे warships गए और दूसरे countries में फंसे हुए अपने लोगों को लेकर आए और वहां से दवाइयां लेकर आए और Indian army was manning and making isolation centers and making hospitals overnight throughout the country. तो ऐसा कैसे होता है किसी से नहीं हो पाता और फौज से होता है ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि we are taught not to say it's over. We are never taught correct that you will call it quits. Correct. कि हमसे नहीं हो रहा ये तो बोलना ही नहीं है ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं तो कुछ नया निकालो. True. You have to think and produce results because a good leadership is one जिसको जब एक problem दे दी जाती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को समझता है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेस हैं और मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं. सी हाफ द बैटल इज वन इफ यू डिसाइड टू डिग इन योर हील्स और आप मजबूती से खड़े हो जाए और बोले मैं झुकूंगा नहीं मैं रास्ता निकाल के रहूंगा. और यही करती है फौज. वी आर नॉट ट्रेन्ड टू डू सो मेनी थिंग्स बट वी डू एंड वी परफॉर्म and we give results. Correct. And that is what has given us credibility. Correct. तो ये जो lesson है Indian Army का, ये आपके सुनने वाले सभी लोगों के लिए है कि आप अपने अंदर एक ऐसी credibility पैदा करिए कि आपको कोई भी काम करना हो या आपको कोई भी काम मिला हो people should be able to say कि ये काम J से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता. Right. 10 लोगों को आने दो but what he can do that is his style. Correct. And he will be able to इसने बोला ये कर देगा तो ये यकीनन करके दिखाएगा. करें सो आपकी बात में उतना वजन होना चाहिए और आपके दिमाग में आइडियाज सोचो थिंक 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 दैट इज व्हाट आई एम सेइंग थिंक आउट ऑफ बॉक्स इरेज द बॉक्स एंड थिंक समथिंग न्यू. एब्सोल्युटली यस यस दैट इज द वन न्यू थिंग व्हिच आई हैव लर्न टुडे कि बॉक्स के बाहर मत सोचो बॉक्स को ही इरेज कर दो. एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दिस विल स्टे विद मी टिल द एंड. मैम you know we
whenever we look at news, जब कोई एक catastrophe होता है, like man-made हो या natural हो, आपने जैसे बताया कि last option या जो हमारा ब्रह्मास्त्र होता है वो armed personal होता है, किसी को you know air evacuate करना है तो there is the air force, कहीं पे flood वाले situations आ गए तो army वहाँ पे है, navy is doing their thing, and this is something which everyone should be proud of in India. And there's a lot that we can learn from the Indian Army in normal civilian life as well. And I want to connect this one point about the civilian life with the Fauji life. Ma'am, you have seen so much. You have talked with so many armed personnel. You have talked with probably a lot more civilians as well. I want to know from you ki एक फौजी कौन है आपके लिए, मतलब, and I'm not saying कि someone in the uniform, फौजी as in like, you know, I cannot explain you in words कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, but I think so you get the gist कि who is this one फौजी, yes. मेरी नजर में फौजी, आप सिर्फ एक तो फौज को वर्दी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से तो आज मैं फौजी नहीं हूँ, because I'm not wearing uniform, right. Right? So what is inside me that makes me a Fauji? Yeah. It is my attitude. Barabar? Correct. So attitude is not my hallmark. Attitude is not army's hallmark. Attitude of I can. Yeah. Main kar sakti hu. Right. Main kar sakti hu. Main kaise karungi ye mujhe nahi pata. Par main kar sakti. करें, मैं उसके लिए इंफॉर्मेशन जुटाऊंगी, मैं उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करूंगी, करें, पर मैं करूंगी. सो मेरी नजर में रियल फौजी इज नॉट जस्ट द वन हु इज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, एवरीवन हु हैज अ कॉन्शियस, एवरीवन हु वर्क्स फॉर द टीम. करें, हमको फौज में पहले दिन से क्या सिखाया जाता है, पहले दिन से ट्रेनिंग में, दैट योर टीम इज बिगर देन यू. Yes, yes. हम जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो एक अकेला ऑफिसर आगे जाके कुछ नहीं जीत सकता है जब तक उसकी टीम उसके साथ नहीं है. True. और ये हमको कैसे सिखाया जाता है, खाली ज्ञान देंगे तो कोई नहीं सीखेगा आप भी नहीं सीखोगे, है ना, तो कैसे सिखाएं. सो इन अकेडमी गलती पूरे कोर्स में से किसी की भी हो, पनिशमेंट सबको मिलती है. ओह वाओ. एक की भी गलती है ना, एक की भी, और अगर किसी की गलती नहीं भी है तो भी वो पनिशमेंट मिल जाएगी. लेकिन लेकिन आपके पूरे 200-250 के बीच में अगर एक की भी गलती है तो द एंटायर कोर्स गेट्स द पनिशमेंट, गेट्स द रगड़ा. एंड सो फ्रॉम डे वन यू आर टॉट ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल. ब्यूटीफुल. तो आप क्या करते हो, आप पहले तो बहुत ये ध्यान रखते हो कि भाई मेरे से गलती ना हो. Yeah. मैं अपना डिसिप्लिन ठीक रखूं, मैं अपना टाइम ठीक रखूं, मैं बिल्कुल पंक्चुअल रहूं, मैं सारी चीजें जैसी सिखाई गई हैं वैसे करूं. लेकिन मेरी गलती नहीं तो किसी दूसरे की गलती से मुझे पनिशमेंट ना मिले, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर वन आल्सो. करेक्ट. सो आई एम टेकिंग केयर नॉट ओनली ऑफ माई सेल्फ बट माई एंटायर टीम दैट इज देयर, सो दैट टूगेदर वी नेविगेट डे आफ्टर डे. And slowly, gradually, we become such a tight-knit team. तो ये जो हमको सीखने को मिलता है, तो फौजी वो है जिसके अंदर attitude है. Beautiful. जो हार नहीं मानता. जो हम लोग फौज में, we always say that resilience is greater, higher than excellence. अभी मैंने आपको पहले बताया कि आप excellent नहीं है, कोई बात नहीं. पर आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए. Correct. बार गिरो, उठो, झाड़ो, फिर खड़े हो. टूटने दो नाखून, छिलने दो कोहनियां, टूटने दो घुटने, लेकिन टारगेट पूरा करके रखना है. सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज गिवन, जो मुझे लगता है एक एटीट्यूड है. ये एटीट्यूड हर कोई अपना सकता है. नेवर गिव अप. दैट इज अ रियल फौजी हु नेवर गिव्स अप, हु टेक्स द टीम टुगेदर, जो अपने से ऊपर सबके लिए सोच रहा है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा कि मैं कैसे बच जाऊं, नहीं, हम सब कैसे बच जाएं और प्रोग्रेस कर पाएं, ये फौज में सिखाया. आपने उड़ी पिक्चर देखी है? हाँ. उड़ी पिक्चर में एक डायलॉग था, नॉट हाउ इज द जोश, उड़ी पिक्चर में एक डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि मैं
कि अब जितने लेकर जा रहा हूं उतने लेकर वापस आओ. राइट राइट राइट. अंडरस्टैंड? या मतलब इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट यू गेट दैट ऑपरेशन राइट, बट इट इज मोर देन दैट. इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू गेट योर एंटायर टीम करेक्ट सेफली एंड सिक्योरली बैक. क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में ना किसी को मरा हुआ छोड़ना चाहते हैं ना किसी को घायल छोड़ना चाहते हैं. Absolutely. You will bring everyone back. Attitude. अभिनंदन वर्तमान देखा था? हाँ. उसको पकड़ा हुआ था पाकिस्तानियों ने. But did you see वो शेर की तरह खड़ा था? क्या इसका बॉडी लैंग्वेज क्या था? Correct. That is फौजी. बोलने की जरूरत नहीं होती है. Just Correct. Your presence. That you are standing there. And your each fiber of your being speaks. You are a फौजी. Yes, yes. और ये कोई हॉलमार्क नहीं है फौज का. इस ये सिर्फ आपके अंदर की एक आत्मविश्वास है. आपके अंदर का जोश है और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि आने दो परेशानी, आने दो कठिनाई, क्योंकि उसका काम है भाई. आप परेशानी को बेरोजगार करना चाहते हो क्या? आने दो परेशानी. मेरा काम है उसके आगे खड़े होना और वो मैं करूंगी. करेक्ट. दैट्स इट. दैट्स लाइफ. ब्यूटीफुल. अभी ये जो लॉकडाउन के बाद हमने जूम मीटिंग्स शुरू किए हैं. आपका ये जैसे जूम पे हो रहा है. करेक्ट. देयर इज लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म कमिंग अप. देयर आर लॉट ऑफ इंस्टा वर्किंग दैट हैज बिगन. इट इज ऑल वेरी न्यू फॉर मी. मैंने इससे पहले कभी सोशल मीडिया में मैं आई नहीं थी. लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, अदरवाइज आई वॉज ट्रेवलिंग 4 times a month, 5 times a month, स्पीकिंग एट वेरियस प्लेसेस. लॉकडाउन लग गया तो क्या मैं काम करना छोड़ दूंगी? Will I let corona win over me? No. ये नहीं तो कुछ और सोचूंगी. Correct. I started my YouTube channel. Correct. I started telling stories. I started connecting with Zoom. I started connecting on Insta. Yes. So now I find that I am connecting more. Right. Though I get lot of uncomfortable situations क्योंकि मुझे ये social media नहीं आ रहा है. Right. कि मैं सीख रही हूँ. मैं एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग. ट्रू. ये है एटीट्यूड. रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना. वाओ, ब्यूटीफुल मैम. मैम, बिफोर वी एंड दिस, आई एम वेरी क्यूरियस. आपके पीछे बहुत सारी बुक्स है एंड आई लव बुक्स. तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, आर देयर एनी बुक रिकमेंडेशंस जो आप लोगों को देना चाहोगे? बुक रिकमेंडेशंस? I really, क्या बुक रिकमेंडेशन दूं? I enjoy Shiv Khera also and I enjoy Harry Potter also. Your favorite books? I enjoy military history books. That is my favorite. लेकिन एक बुक है which I can, okay. I don't know whether you can see this. This is a book that I'm reading these days. It is by Sanjay Sharma, Medini Sharma, called Courage Beyond Compare. Correct. And this has story of Paralympic, not Paralympic, but the athletes who are specially abled, Indian athletes. Beautiful. And how they have fought against all odds. Right. और आगे बढ़ते गए. Rather, इनके ऊपर ही मैंने और research करके I have shot my 2 episodes of Short Details. I was just looking at those episodes before this recording. Yes. So story of Murali Kant Petkar, the first Olympic gold medal of our country. He was a Fauji and a Correct. Specially abled person. But he did Correct. Not let it come in his way. So ye sab seekhne jaisi cheeze hai. Bas kitab padhe, wo sabse important hai. Read, do not read trash. Read something that is going to improve your thoughts and language. Hindi, English, kuch bhi ho. Local vernacular, kuch bhi ho. Bas padhiye. Khud padhiye. True. Awesome, ma'am. This was like abhi bhi, I don't know if you noticed in between the episode, but I was fumbling with my words right now as well, because this was that good episode. Like aap kahani bata rahe the and mera adrenaline bad raha tha. So that shows ki pehli baat to bahut amazing stories hai Indian Army ki, and you are a good storyteller. I would recommend everyone to please go and follow ma'am. Unka YouTube channel hai Shaurya Tales. Go and check it out. उसका लिंक तुम्हें बायो में मिल जाएगा इस एपिसोड के. फॉलो मैम ऑन इंस्टाग्राम. शी डज अ लॉट ऑफ वीडियोज देयर एज वेल.
बहुत कुछ नया जानने मिलेगा, बहुत कुछ हिडन स्टोरीज तुम्हें जानने मिलेगी. सो दिस वॉज अ वन हेल ऑफ एपिसोड विद कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी मैम. एंड ऑल्सो मुझे अभी से पता है कि देयर विल बी रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल टू डू अनदर पॉडकास्ट विथ यू. सो आई एम गोइंग टू बी कनेक्टिंग विथ यू वंस अगेन एंड वी विल टॉक. बिल्कुल, या एब्सोल्युटली, आई रियली एंजॉयड एंड यू मेड इट सो सीमलेस एंड यू आर अ रियली वेरी गुड होस्ट. जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद. जय हिंद मैम. जय हिंद. जय हिंद. ओके, थैंक यू.